हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ सोशल साइंस। टुडे वी विल रीड अवर न्यू टॉपिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, यानी कि शहरों में हमारी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, असहयोग आंदोलन था, वो शहरों में किस तरह से आगे चला था, कैसे आगे बढ़ा था, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट है मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, यानी कि जो लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, मध्य वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स थे, यानी कि हजारों जो विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या कर दिया, लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे हजारों विद्यार्थियों ने अपने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नॉन कोऑपरेट करने के लिए, यानी कि उनको कोऑपरेट ना करने के लिए, इंडियंस ने ये डिसाइड किया था कि उनको कोऑपरेट ना किया जाए, तभी वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी के को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। इसके बाद हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, जो हेडमास्टर्स और टीचर्स थे जितने भी स्कूल्स में और कॉलेजेस में, उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया, अपनी जॉब से त्यागपत्र दे दिया और अपने अपने घरों में बैठ गए। इसके बाद क्या हुआ, लॉयर्स जो थे गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस अपनी छोड़ दी थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, नॉन कोऑपरेट पूरी तरह से किया और इस सत्याग्रह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसमें महात्मा गांधी ने ये फैसला सुनाया था कि एक वर्ष में हम क्या करेंगे, स्वराज की प्राप्ति करेंगे, यानी कि हमें स्वराज, यानी कि अपना राज हमें मिलेगा। स्व मतलब अपना और राज मतलब वहाँ पर शासन, यानी कि हमारा अपना अपने देश में हमारा अपना शासन होगा और ब्रिटिश रूल को यानी कि पूरी तरह से बायकॉट किया जाएगा। और पूरी तरह से उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक वर्ष के अंदर हम, अगर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रहा, तो एक वर्ष के अंदर हम उनको अपने देश से बाहर निकाल देंगे। तो इसके बाद है बॉयकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शन, यानी कि काउंसिल जो इलेक्शन थे उसका बायकॉट किया गया, वो पूरे देश ने उसका बायकॉट किया। क्यों किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सब अगेंस्ट थे, इसीलिए उन्होंने बायकॉट किया, क्योंकि बायकॉट करेंगे तभी वो क्या करेंगे, अपने हमारे देश से बाहर जा सकते थे। तो बायकॉट के कारण उनका जो था मोरल, वो डाउन हो सकता था, और इसीलिए उन्होंने एक ही हथियार अपनाया था कि इनको बायकॉट किया जाए। बट द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉट इन मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास चेन्नई, यानी कि मद्रास में और चेन्नई, जो इसका नाम था पहले भी, मद्रास और चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो सिर्फ मद्रास के अंदर लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर जो नॉन ब्राह्मण्स लोग थे वो इसमें जस्टिस पार्टी के लीडर्स थे, ठीक है, तो उनकी जस्टिस पार्टी जो थी वो नॉन ब्राह्मण्स लीडर्स उसके अंदर थे, उन्होंने इसका, इन इलेक्शंस का बायकॉट नहीं किया, क्योंकि वो जितनी भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, जितनी प्रिविलेजेस मिली थी, वो चाहते थे कि हम इसको पूरी तरह से यूज़ करें और उसको इंजॉय करें। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम दूसरे लोगों से के साथ ना मिलकर और इसका बायकॉट नहीं करेंगे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, इसका बायकॉट नहीं किया काउंसिल इलेक्शन का, ठीक है। तो इसके बाद है जो इकोनॉमी थी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, मूवमेंट हुआ था, इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था। इसमें जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, जितने भी व्यापारी लोग थे, सब ने क्या किया कि व्यापार करने से फॉरेन ट्रेड, फॉरेन गुड्स और फाइनेंस को, फॉरेन ट्रेड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने विदेशी सामान को खरीदना बंद कर दिया और बेचना बंद कर दिया। तो उन्होंने यानी कि फाइनेंस करना पूरी तरह से उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम पूरी तरह से क्या करेंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश का सामान ही बेचेंगे और देश का सामान ही खरीदेंगे। तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने इसमें पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉलो किया।
अब इसके बाद जो हमारी इकोनॉमी में इफ़ेक्ट आया था लिकर शॉप्स की वजह से, लिकर शॉप्स जो थी उनको पिकेट कर दिया गया था, यानी कि उनको पूरी तरह से बंद कर दिया था, उनको सील कर दिया गया था, और जो फॉरेन क्लोथ थे, जितने भी फॉरेन क्लोथ थे उनको बर्न कर दिया था, यानी कि जला दिया था। जितने भी विदेशी कपड़े थे, विदेशी कपड़ों की वहाँ पर ह्यूज बोन फायर, यानी कि उनकी होली जला दी गई थी। लिकर शॉप्स को सील कर दिया गया और जितने भी विदेशी सामान और विदेशी कपड़े थे उनकी होली जला दी गई थी, यानी कि उनको इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी गई थी। इंडियंस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, यानी कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के पूरी तरह से वो अगेंस्ट थे। उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक गुड्स प्रोडक्शन वर इंक्रीज्ड। इसकी वजह से क्या हुआ, जितना भी हमारा यानी कि देश के अंदर सामान तैयार किया जाता था, स्वदेशी यानी कि जितना भी अपने देश में सामान तैयार होता था, बनता था, उस सामान को ही सब लोग इस्तेमाल करते थे। डोमेस्टिक अपने देश के अंदर, यानी कि अपने देश में जो सामान तैयार किया जाता है वही, वहाँ पर उसका प्रोडक्शन क्या हुआ था, बढ़ गया था, क्योंकि लोग अब स्वदेशी अपनाने लगे थे, अपने ही देश का सामान इस्तेमाल करने लगे थे। और इस तरह से जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा यानी कि इफ़ेक्ट आया था, बहुत ही डाउनफॉल हुआ था। किसका डाउनफॉल हुआ था? ब्रिटिश गुड्स का डाउनफॉल हुआ था। अब जो लिमिटेशंस थी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स उसके अंदर आई थी, वो कौन कौन सी लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, NCM यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन हो गया था शहरों में। क्यों? क्योंकि शहरों के लोग थे वो एक दूसरे के, यानी कि उनको एक दूसरे के विचार वो समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग उसमें शामिल थे, पूरी तरह से सभी लोग उसमें शामिल नहीं थे। ये भी एक उसका काज था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था स्लो डाउन होने का। क्योंकि लोग जब तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो कोई भी डिसीज़न क्या होगा, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा और लोग उसको फॉलो